दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के बारे में बात करेंगे। अभी के जो इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं, इससे ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी की पूरी तरह से बैंड बज चुकी है और ये भी कह सकते हैं कांग्रेस मुक्त भारत सच में हो गया है। कांग्रेस इंडियन पॉलिटिक्स से बाहर होती जा रही है पूरी तरह से। कांग्रेस भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। 1885 के फाउंडर मेंबर कौन थे कांग्रेस के, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। बड़े लीडर्स क्योंकि एक ही पार्टी थी, सब यहां से आए। 1951 से लेकर 1965 तक कांग्रेस इरा रहा, जवाहरलाल नेहरू इरा रहा, 60 सालों तक पूरी तरह से कांग्रेस का राज रहा। लेकिन अब कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और इसके पीछे का क्या रीजन रहा, ये रीजन बताएंगे आपको। पंजाब में दोस्तों जो इनका हाल हुआ वो तो सबको पता ही है। जीता हुआ स्टेट कैसे हारते हैं ये कोई कांग्रेस से सीखे। हाँ, 72 सीट पिछली बार कांग्रेस को मिली थी, वहीं आम आदमी पार्टी को केवल 26 सीट, और इस बार तो कांग्रेस 10 से भी नीचे आ चुकी है। इतनी बुरी हालत हो चुकी है कांग्रेस की, इतनी बुरी कि जीता हुआ राज्य भी हार गई। सीएम का कोई चेहरा नहीं, कोई बड़ा लीडर नहीं, कोई स्ट्रेटेजी नहीं, कोई एम नहीं। प्रियंका गांधी ने बोला नारी हूँ, लड़ सकती हूँ यूपी में, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। कि इस वीडियो में मैं आपको कांग्रेस पार्टी के हारने का कुछ रीजन बताऊंगा। सभी को तो पता ही है इलेक्शन रिजल्ट आ गए हैं और बीजेपी ने 4 राज्यों में पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है, और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के इलेक्शन का रिजल्ट को पंजाब में भी दोहराया है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 117 सीटों में से 92 सीट लेकर आई है, जो पिछली बार 26 थी। आम आदमी पार्टी ने भारत की राजनीति को पूरी तरह से बदल दी है। भगवत मान अब पंजाब के अगले सीएम होंगे, और कल उन्होंने ये भी कहा है कि वो भगत सिंह के गांव से जाके शपथ लेंगे सीएम पद की। पंजाब में कांग्रेस और अकाली दल का राज हुआ करता था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने सबको उड़ा के रख दिया है। कांग्रेस क्यों हारी पंजाब में, उसका सबसे बड़ा रीजन था नवजोत सिंह सिद्धू। लीडरशिप की भारी कमी, प्रदेश अध्यक्ष जो कि कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर चन्नी के बुराई कर रहे थे। कांग्रेस जीता हुआ स्टेट हार गई, आप अपने ही सीएम के मुंह पे बुराई कर रहे हैं। अगर कोई आपसी मतभेद है उसे पब्लिकली तो मत लाओ, एक पार्टी की मीटिंग बुलाओ, वहां पे डिस्कस करो। प्रियंका गांधी एक बार पंजाब आई थी रैली करने, तो उनके सामने नवजोत सिंह सिद्धू ने बोलने से मना कर दिया। सिद्धू के बारे में ये कहा जाता है कि वो बड़े बोलते पहले हैं, सोचते बाद में हैं। इस हार के पीछे का यह भी कारण है कि सिद्धू का बड़बोलापन, बहुत ही कमजोर स्ट्रेटेजी और कांग्रेस का अंधा विश्वास करना नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर कांग्रेस को ले डूबा। प्रकाश सिंह बादल, कैप्टन अमरिंदर सिंह, चन्नी सब हार चुके हैं और भगवंत मान फिर से रिकॉर्ड वोटों से जीते हैं। आप इसे समझिए, पंजाब में तो कांग्रेस का अच्छा खासा दबदबा था और फिर से कांग्रेस आ भी सकती थी, लेकिन हार गई, और इसका कारण है लीडरशिप की कमी होना। कांग्रेस पार्टी के जो मेन लीडर है प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया, राहुल गांधी के लीडरशिप पे तो हमेशा से सवाल उठते रहे हैं, खाली वो मीम के मटेरियल ही बन के रह गए हैं। राहुल गांधी अभी बहुत ज्यादा एक्टिव है, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, लेकिन आप अब वो लगातार सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन वो अब लीडरशिप में चेंज लाना पड़ेगा। अगर आप कांग्रेस में देखें तो उसमें ही हाईली क्वालिफाइड लीडर्स हैं, सबसे पढ़े लिखे लीडर्स आपको कांग्रेस में देखने को मिलेंगे, लेकिन वो है कहाँ, क्या कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का हमेशा से ये रहा है, बड़े लीडर्स हमेशा पीछे रहते हैं और गांधी परिवार हमेशा आगे। जब 1998 में सोनिया गांधी कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनाई गई थी, तब सीताराम केसरी थे, तब खाली मिजोरम, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में ही कांग्रेस की सरकार थी। 1998 में जब सोनिया गांधी आई थी, तब 9 राज्यों में सरकार होगी कांग्रेस की, लेकिन 2014 के बाद से, नरेंद्र मोदी के आने के बाद से खेला ही बदल गया, और अब केवल छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ही कांग्रेस की सरकार है, और वहां भी डावल डोल है। प्रॉब्लम यह है कि राहुल गांधी वादे तो बहुत करते हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और पंजाब में भी उन्होंने वही वादे किए, जो चीज बोलते हैं वो उस चीज में अड़क नहीं रहते हैं। तो यहाँ अब टॉप लीडर्स पे चेंज करने की जरूरत है। बहुत सी पार्टी सोचती है कि लास्ट मोमेंट में आएंगे, एंट्री मारेंगे और हम बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आखिर के 3-4 महीने में कुछ नहीं होता, आपको लगातार काम करना पड़ेगा। जमीनी स्तर पे आपको जानकारी होनी चाहिए, उस पर से कैंपेनिंग, आजकल तो आप सबको पता ही होगा कि सोशल मीडिया पे का जमाना है, बीजेपी के कैंपेनिंग से ही उनको कुछ सीख लेना चाहिए था। बीजेपी कैंपेनिंग देख के आपने आपको भी आपको उस तरफ ढाल लेना चाहिए था, पर जहां भी जाता था बीजेपी के बोर्ड दिखते थे। राहुल गांधी को भी हर चैनल पे जाना चाहिए था और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए था, ऐसा लग रहा था उनको किसी बात का फर्क ही नहीं पड़ रहा है। पार्टी हार रही है, बस उन्होंने अपोजिशन को बधाई दी और अपना पल्ला झाड़ लिया। सच में अब कांग्रेस बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि लास्ट मोमेंट में चेंजेस को आप समझना चाहिए। जैसे कि उत्तराखंड में बीजेपी आ गई, वहां पे टफ को मुकाबला था जब एग्जिट पोल आई थी, लेकिन बीजेपी ने वहां पे भी 40 से ऊपर सीट लाकर एक तरफा मुकाबला कर दिया। इतना समझिए, उत्तराखंड में लोकल एमएलए को, लोकल जो वहां पे लीडर्स थे उनको मौका ही नहीं दिया कांग्रेस ने। आखिर वक्त पर सीएम का फेस ही नहीं बताते, तो फिर पब्लिक कैसे ही भरोसा करेगी इन पर। लीडरशिप की कमी, मेहनत की कमी, स्ट्रेटेजी की कमी, सच में कांग्रेस से अब नहीं हो पाएगा। अब गोवा में ही देख लीजिए, गोवा एक महानगर बनने के कगार पे है, फ्लाईओवर बन रहे हैं। गोवा में बीजेपी ने वहां के एक कैथोलिक लीडर्स को ही खड़ा कर दिया। गोवा एक समय पुर्तगालियों का कैपिटल था, सबसे आखिर
आखिर में पुर्तगाली गए थे 1961 में, और वहाँ पे उनका कल्चर अभी भी है। गोवा में भी बीजेपी सरकार आ गई, 20 सीटें वहाँ पे बीजेपी ने हासिल की 40 सीटों में से। गोवा में तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त मिस कैलकुलेशन हुआ कांग्रेस का। यूपी में तो खैर कांग्रेस को छोड़ ही दीजिए, कोई चांस ही नहीं था जीतने का। पिछली बार 7 सीटें, इस बार 2 सीटें, तो यूपी में तो कांग्रेस कुछ कर भी नहीं पाती। ये तो 1990 से शुरू हो गया था कि यूपी में तो कांग्रेस का कुछ नहीं होना, लेकिन फिर भी प्रियंका गांधी नारी हूँ लड़ सकती हूँ, ये नारा पूरी तरीके से फेल हो चुका था। यूपी में तो ऐसा लग रहा था कि बस प्रियंका गांधी और कोई बड़ा लीडर है ही नहीं अगल बगल। इतना टैलेंट है, लोगों को मौका दो। गोवा में भी दोस्तों यही हुआ। आपको पता है गोवा में क्या हुआ? देखिए, जब इंसान की महत्वाकांक्षाएं होती है, जब आप किसी ऑफिस में मैनेजर के लेवल पे होते हैं, तो आप चाहते हैं सबको मौका दें, तभी तो कंपनी आगे बढ़ेगी। लेकिन आपको लगता है सिर्फ मैं ही हूँ, राहुल गांधी का मतलब कांग्रेस, तो बाकी सब छोड़ के चले जाएंगे। गोवा में भी कांग्रेस के साथ यही हुआ। गोवा में कितने ही कांग्रेसी ने सरकार छोड़ दी, पार्टी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली, और उनका ऑलरेडी वहाँ पे वोट बैंक था, तो सीधा सीधा फायदा वहाँ बीजेपी को हुआ। तो इसीलिए 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी आगे है। इस समय कांग्रेस केवल छत्तीसगढ़ राजस्थान में है, और वहाँ पे भी दिखते हैं, वहाँ पे भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, और यह भी हो सकता है कि जब अगले इलेक्शन हो वहाँ पे भी सरकार पलट जाए। सच में कांग्रेस को सोचना ही पड़ेगा, वरना सच में कांग्रेस मुक्त भारत ही हो जाएगा। कांग्रेस क्या कर सकती है? सबसे पहले लीडरशिप में चेंज लाना पड़ेगा, आपको लोकल लीडर्स को पकड़ना पड़ेगा, आपको अपनी पार्टी के अंदर से टैलेंट को ढूंढना पड़ेगा कि सही में डिजर्विंग है, खड़ा करिए उनको। दूसरे पॉइंट, स्ट्रेटेजी, अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं बनाओगे, आखिर 3-4 महीने कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती है, आपको लगातार काम करना पड़ेगा। सोशल मीडिया को टारगेट करो, टीवी को टारगेट करो, पेपर्स को टारगेट करो, हर जगह पर टारगेट करो जहां पे ऑडियंस की रीच है, अपनी नीतियां बताओ लोगों को। तीसरा पॉइंट, रीस्ट्रक्चरिंग, कांग्रेस के अंदर इस समय रीस्ट्रक्चरिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। और चौथा पॉइंट, विजन में क्लैरिटी, जो कि कांग्रेस में बिल्कुल दिखती ही नहीं है। क्या करना चाहती है उनको खुद ही नहीं पता। जब इसका जीता जाता उदाहरण है, क्या करना चाहती थी वहां कांग्रेस, उसे खुद ही नहीं पता। कौन सीएम होगा वहां, आपसी लीडर्स में मतभेद, सिद्धू अपने उसी में रहते थे कि मैं ही हूं और कोई नहीं, अपने घमंड में, ऐसा नहीं चलता है, पूरी तरीके से हारे वहां पे। सब विजन में कोई क्लैरिटी नहीं है वहां पे, इसलिए विजन में हमेशा क्लैरिटी होनी चाहिए। राहुल गांधी लीडर्स है, लेकिन राहुल गांधी को भी सोचना पड़ेगा कि उनको फ्रंट फुट में आके खेलना ही पड़ेगा, वरना तो कांग्रेस मुक्त भारत हो ही जाएगा समझो। बीजेपी ने सच में बैंड बजा के रखी है वहां पे, आप कितना भी बोले लेकिन पावर में तो वही आए हैं। तो इस वीडियो में जो है वह रियलिटी होते हुए दिख रही है, कांग्रेस मुक्त भारत। देखते हैं दोस्तों अब आगे क्या होता है। वैसे एक्चुअल में तो कांग्रेस मुक्त भारत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपोजिशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और अभी इलेक्शन और भी होने हैं, और अभी भी कांग्रेस चाहे तो फाइट बैक कर सकती है स्ट्रांग तरीके से। रीजनल पार्टी जैसे कि आम आदमी पार्टी होगी, टीएमसी होगी, इनका उदय हो रहा है। रीजनल पार्टी वह इस वक्त मैदान में बहुत ही शानदार काम कर रही है, तो टक्कर इस वक्त बीजेपी वर्सेस रीजनल पार्टी में है। बाकी कांग्रेस अब दिखेगी नहीं, अगर उनको आगे दिखना है तो सारी चीजों पर काम करना बहुत ही जरूरी है। कांग्रेस भी बहुत जरूरी है, बीजेपी का होना जितना ज्यादा जरूरी है, तो स्ट्रांग पार्टी है, तो इसलिए स्ट्रांग पार्टी में कांग्रेस का भी, अपोजिशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी तो सरकार से सवाल पूछा जा सकता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2024 में कांग्रेस दिखाई भी नहीं देगी। तो अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें।